Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dr. Mohammed Zubair Bhutti, Skin Specialist and Cosmetologist. Beauty creams. अच्छा question है आपका. इसके बारे में awareness लोगों में चाहिए, लोगों को हमें बताना चाहिए कि जो formulas use होते हैं different किस्म के जो market में available हैं या females जो अपने घर में खुद ही बनाती हैं जिसमें अक्सर ये use करते हैं आर्ची या बेडनेविट क्रीम या डर्मोविट क्रीम फेस पे जो अक्सर use होता है तो उसके लिए एडवाइस लोगों के लिए ये है कि कम से कम डॉक्टर से पूछ लिया करें कि कौन सी मेडिसिन आपने फेस पे इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये जो डर्मोवेट है या बेडनेविट जो क्रीम है या आर्ची है ये फेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनती है जिसमें फेस की सेंसिटिविटी स्किन की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से स्किन थिन हो जाती है फेस पे रगे स्किन में रगे नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और इसमें आम पानी भी उसके फेस पे लगता है जिससे सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ये हमेशा मेरी एडवाइस यही है कि अपने डॉक्टर से जो भी आपके नज़दीक तरीन जो लोकेशन में स्किन वाला डॉक्टर है उससे कम अज़ कम पूछ लें कि ये फार्मूला मैं फेस पे अप्लाई करूँ या ना करूँ बेडनेविट डर्मोवेट बाकी बॉडी पे आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें लेकिन फेस पे मुकम्मल तौर पे ये प्रोहिबिटेड है उसके ऊपर अगर आप लिटरेचर देख लें उसमें लिखा भी हुआ है कि फेस के लिए ये क्रीम ये नहीं है और जितने भी फार्मूलाज घर में जो यूज़ करते हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी लोगों से और आवाम से कि वो मत यूज़ करें विदाउट डॉक्टर के मशवरे के फेस के ऊपर कुछ भी यूज़ मत करें क्योंकि उससे फेस पे बाल भी ज़्यादा हो जाते हैं और बाकी जो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन आपको बताई हैं वो भी उससे ज़्यादा हो जाते हैं